वेलकम टू ए के एक्सप्लेनेशन। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सीआरसी सीट और एचआरसी सीट के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, ये हमारा नया वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपनी डिमांड कमेंट करें, हम आपकी डिमांड पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं सीआरसी सीट और एचआरसी सीट के बारे में कुछ डिफरेंस। दोस्तों, सीआरसी सीट यानी कोल्ड रोल सीट और एचआरसी सीट यानी हॉट रोल सीट। अगर बात करें कोल्ड रोल सीट और हॉट रोल सीट के बारे में, अगर हम किसी सीट की रोलिंग उसे विदाउट हीट किए करते हैं तो उसे हम कोल्ड रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर बात करें एचआरसीए के बारे में, तो इस कंडीशन में हम सीट को हीट करते हैं और उसके बाद उस सीट की हम रोलिंग करते हैं। तो सीआर सीट में हम उसकी रोलिंग रीकस्टेशन टेम्परेचर के ब्लो में करते हैं, यानी हम उसको हीट नहीं करते हैं और जिस कंडीशन में वो सीआर सीट रहती है हम उसी कंडीशन में उसको रोल कर देते हैं। अगर बात करें एचआर सीट के बारे में, तो उसकी रोलिंग हम अबाव रीकस्टेशन टेम्परेचर पर करते हैं, यानी हम उसको हीट करते हैं जहाँ उसकी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम उसे रोलिंग करते हैं। बात करें तीसरे डिफरेंस के बारे में, तो तीसरे डिफरेंस में सीआर सीट की जो सरफेस फिनिश होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है। वहीं अगर बात करें एचआर सीट के बारे में, तो एचआर सीट की जो सरफेस फिनिश होती है वो काफ़ी रफ होती है। बात करें फोर्थ डिफरेंस के बारे में, तो सीआर सीट की जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो सपोज़ ये शीट है जिसकी लेंथ है 50 और विड्थ भी 50 है, ये अचीव करना बहुत इजी है सीआर सीट में। लेकिन बात करें एचआर सीट के बारे में, तो यहाँ पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है। अगर बात करें एग्जांपल के बारे में, तो अगर इसकी लेंथ 50 है एक तरफ से, तो ज़रूरी नहीं कि सेकेंड तरफ उसकी लेंथ 50 ही आए, वो कम भी आ सकती है और इससे ज़्यादा भी आ सकती है। बात करें फिफ्थ डिफरेंस के बारे में, तो इसमें केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, बट इन केस ऑफ एचआर सीट केमिकल कंपोजिशंस चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चेंज हो, लेकिन हाँ वो चेंज हो सकते हैं। तो सीआर सीट हम किसी प्रिसीजन पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर बात करें एचआर सीट के बारे में, तो एचआर सीट हम किसी भी प्रिसीजन पार्ट में यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी सही नहीं होती है। बात करें सेवन डिफरेंस के बारे में, तो सेवन डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि फॉलो किया जाता है। सीआर सीट बहुत ही कॉस्टली होती है, बट इन केस ऑफ एचआर सीट आए तो ये बहुत ही चीप होती है, क्योंकि इसकी रोलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। वहीं बात करें सीआर सीट के बारे में, तो सीआर सीट की रोलिंग काफ़ी लंबी प्रोसेस है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये था हमारा नया वीडियो सीआरसीए और एचआरसीए के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी डिमांड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।